नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयवीर और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के बारे में। हम आपको दिखाएंगे कि 1.5 किलोवाट की फाइबर लेज़र कटिंग मशीन कितना मोटा एमएस काट सकती है और अलग अलग थिकनेस में क्या फिनिश आती है और क्या कटिंग स्पीड होती है। साथ ही साथ हम कटिंग प्रिंसिपल की भी बात करेंगे कि ये वाली कटिंग एमएस वाली कटिंग फाइबर लेज़र कटिंग मशीन पर कैसे होती है। तो हम आपको काट के दिखाएंगे 4 mm का एमएस, उसकी फिनिश दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको 8 mm का एमएस काट के दिखाएंगे, 4, 8, 8 के बाद हम 12 mm का आपको एमएस काट के दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम 4 mm का एमएस लगाने जा रहे हैं और कटिंग गैस में हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और आपको कटिंग की फिनिश भी दिखाएंगे कि कैसे फिनिश आती है 4 mm एमएस में 1.5 किलोवाट की फाइबर लेज़र कटिंग मशीन के साथ। तो इस केस में हम ऑक्सीजन कटिंग गैस यूज़ कर रहे हैं। जब ऑक्सीजन कटिंग गैस यूज़ करते हैं तो ऑक्सीजन मेरे जो एमएस को ऑक्सीडाइज भी करता है, जिससे ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा थिकनेस अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद एमएस अलग हो जाता है अपने आप और उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती है। इसलिए कटिंग की हम ज़्यादा थिकनेस और ज़्यादा स्पीड एमएस में अचीव कर पाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो आइए हम इसको काट के दिखाते हैं। तो काटने का सिंपल सा प्रोसेस होता है। पहले मेरे को अपनी जो कटिंग ऑब्जेक्ट है उसको फ्रेम करना होता है। तो हम सबसे पहले फ्रेम करेंगे। तो फ्रेम करके मेरे को पता लग जाता है कि जो मेरी कटिंग होगी उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। उसके बाद मैं शटर ऑफ करूँगा और मैं अपनी कटिंग स्टार्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कटिंग में कितनी अच्छी शानदार फिनिश आई है 4 mm के साथ, और कटिंग की स्पीड भी आपने देखी होगी कितनी फास्ट कटिंग होती है 4 mm एमएस में 1.5 किलोवाट की मशीन में। तो दोस्तों, अब बारी है 8 mm एमएस की। तो अब हम 8 mm एमएस अपनी 1.5 किलोवाट फाइबर लेज़र मशीन में लगाने जा रहे हैं और देखते हैं उसका कटिंग रिजल्ट कैसा आता है। तो कटिंग का प्रोसीजर सेम रहेगा। हमने कटिंग की नोज़ल चेंज की है। इस बार हम 1.5 mm की नोज़ल यूज़ कर रहे हैं और कटिंग गैस ऑक्सीजन है और हमने कटिंग स्पीड थोड़ी सी कम की है। तो आइए देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले हम फ्रेम करेंगे, उसके बाद मैं शटर ऑन करूँगा जिससे मेरी लेज़र स्टार्ट हो जाएगी और फिर मैं अपनी जॉब स्टार्ट करता हूँ। उठा सकते हैं ना इससे, सीधा उठा सकते हैं ना। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें भी बढ़िया फिनिश आई है। ये हमारा 8 mm का पीस था और ये हमारा 4 mm का पीस है। थोड़ा सा फिनिश में फ़र्क है लेकिन अभी भी बढ़िया फिनिश है। तो दोस्तों, अब बारी है 12 mm की। हमारा एक्चुअल में पीस 12.5 mm का है। हमने अपना पीस लगा दिया है और हम इसको अब आपको काट के दिखाते हैं। तो आइए इसको काट के दिखाते हैं।
तो अब हम इसकी फिनिश आपको दिखाते हैं। तो इसकी भी अच्छी खासी फिनिश आई है। हमारी 1.5 किलोवाट की जो मशीन होती है वो 14 mm तक MS काट सकती है। अभी हमने आपको 12.5 mm तक MS काट के दिखाया है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेटल थोड़ा मोटा हो जाता है थोड़ी थोड़ी फिनिश कम होती चली जाती है। और ये मेरे 12 mm का रिजल्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो हमने आपको आइडिया देने के लिए बनाया कि 1.5 किलोवाट की मशीन आखिर कितनी मोटाई तक काट सकती है और किस तरह से काटती है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका फाइबर लेजर से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपको जानना है कि फाइबर लेजर कटिंग मशीन कितनी थिकनेस तक काट सकती है, या आपको जानना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने किलोवाट की फाइबर लेजर मशीन लगेगी, तो आप इस यूट्यूब में दिए गए कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। हमारे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।